किधर खड़ी हुई है। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम शारजा। तो थंबनेल से आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि भाई जान 15 प्रो मैक्स उसी का मैं भी वेट कर रहा हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर किया, खुद गया नहीं था, तो उन्होंने कहा 2-3 घंटे के अंदर मतलब जो है ना आपको डिलीवर हो जाएगा। कौन से कलर में मैंने ऑर्डर किया है ये आप लोगों को आइडिया करना है। तब तक जो है मैं आप लोगों को ज़रा इर्द गिर्द सराउंडिंग दिखाऊँ। ये वो मस्जिद है जिधर मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जितनी भी आप लोग बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे सब फैमिलीज़ रहती हैं। वेदर आज बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, ये सब फैमिलीज़ रहती हैं। ये सामने इनकी पार्किंग है। ये जो सेंटर में आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना यार, ब्लू ग्लासेस वाली, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ, ठीक है। अब मगरिब का टाइम हुआ पड़ा है, नमाज़ पढ़ेंगे, अजान होने वाली है। मगरिब की नमाज यार हम लोगों ने पढ़ ली है, अब आप लोगों को एक चीज़ चेक करवानी है, तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो यार आप लोग वेदर चेक करें, वेदर के साथ साथ आप लोग व्यू भी चेक करें। व्यू देखते देखते मैं एक तरफ कैमरा लेके जा रहा हूँ। GTA वाइस सिटी जो लोग खेलते हैं ना, उनको पता चल गया होगा कि भाई जान वो बिल्डिंग कौन सी है। अगर अभी भी नहीं पता चला तो मैं थोड़ा सा करीब जाके या जूम करके आप लोगों को चेक करवाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। हाँ तो यार बताओ, मुझे ये बिल्डिंग का पता चल गया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सी बिल्डिंग है ये। तो यार वापस निकलते हैं, अब हमने जाना है बीच पे। तो यार ये इस बिल्डिंग की पार्किंग है, यहाँ पे 3 पार्किंग्स हैं, P1, P2, P3। P2 में हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है, गाड़ी में बैठते हैं। बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ चेक करवाता हूँ, जो कि यार मैं खुद मतलब शौक था कि किस तरह, ताकि अगर पाकिस्तान हो ना यार, तो मतलब उन्हें जिधर जगह मिले वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। यहाँ पे ये है कि जो जगह आपको अलॉट कर दी गई है ना बिल्डिंग की तरफ से, आपने वहीं पे अपनी गाड़ी लगानी है, ठीक है। इस तरह ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं आपको लेफ्ट साइड पे चेक करवाता हूँ। ये सामने जो गाड़ी है ये 3 माह से यहाँ खड़ी हुई है, और इसका ऑनर जो है कहीं पर गया हुआ, गाड़ी वहीं खड़ी है। सेकेंड नंबर पर चीज़ लाइट्स, जितनी भी लाइट्स अब आप लोग देख रहे हैं सेंसर बेस्ड हैं, कोई बटन नहीं लगे। जैसे जैसे आप चलते हैं या फिर कोई गाड़ी आती है ना, तो लाइट खुद ब खुद चलती जाती है। ये देखो ऊपर लाइट चल रही है। तो चले भाई जान यार निकल पड़े हैं, ज़बरदस्त मौसम है, ठीक है, निशा का टाइम हुआ है। वहाँ पे जाकर सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको नज़ारे चेक करवाएंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम जाना है, देखते हैं वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है। तो यार नमाज़ हमने पढ़ ली है इस टाइम इशा की। इस टाइम हम मौजूद हैं शारजा में, बिल्कुल एक पास बीच है अल मजाज, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है, बहुत कम इधर जो है बादल आते हैं, बहुत कम बारिश होती है। लेकिन आज जो मौसम बना हुआ है ना, इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ। किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, फिर रहा है, मतलब कोई ऐसा वैसा सीन नहीं यहाँ पे कि भी आप लोग को कभी परेशानी हो फैमिली के साथ। तो ये मस्जिद का फ्रंट है जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। और ये सामने जो आपको वैन खड़ी नज़र आ रही है ना, ये हर थर्सडे को यहाँ पे आती है, ठीक है। आज थर्सडे है, तो यहाँ पे आप अपना आके ब्लड डोनेट करना चाहते हैं ना, तो यार आप इनसे रब्ता करें, ये वहीं पर आपका ब्लड लेंगे। जब उसी बीच के ऊपर ना हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद ना एक फाउंटेन शो होता है, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब मैं इस टाइम वॉक कर रहा था, तो फिर बाद में मैंने वो जो दूसरे मोबाइल पे वीडियो क्लिप शॉट जो है ना वो रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने कहा चलो वो आप लोगों को चेक करवा दूँ, कोई सीन मिस नहीं होना चाहिए। जो जो मैंने वहाँ पे देखा है ना आप लोगों को भी चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यार बड़ा कलरफुल तकरीबन ये 30 मिनट जो है ना शो वहाँ पर हुआ है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के उन्होंने वहाँ पर इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं करतब करके दिखाए हैं पानी के ज़रिए, तो मतलब अच्छा था यार सीन, बड़ा ज़बरदस्त रिलैक्सिंग माहौल। तो यार हवा इतनी ठंडी चल रही है ना यहाँ पे, यकीन माने मैंने हत्ता कि ये मतलब जैकेट टाइप पहनी हुई है, लेकिन फिर भी ना बस हो गया। तो मैं चाय के लिए निकला हूँ कि चाय देखते हैं कहीं पे, ये सामने चाय है, इसके अंदर बंदा बैठा है जो चाय बना के दे रहा है, बाहर इसने एसी के वो रखे हुए हैं, अंदर एसी भी चल रहा है। तो यार चाय अपनी पीते हैं, चाय मिल गई है, उसके बाद निकलते हैं वापस। सामान शमान हमने अपना सारा पैक कर लिया है इसके अंदर गाड़ी में, ठीक है। फ़ोन मतलब हमारा घर पहुंच चुका है तकरीबन, तो अब रुका नहीं जा रहा, निकलते हैं, ठीक है। यार भांजी को भूख लग गई थी, तो ये डोनट शौक से खाती है, मैंने कहा चलो इसको यहाँ पर रोक के डोनट ले देते हैं ज़रा। तो अभी चलते हैं, आपको चेक करवाते हैं डोनट, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शॉप पर, देखते हैं यहाँ पर जाके डंकिन डोनट। लो जी डोनट इसने ले लिया, 7 दिरहम का मैं डोनट पड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब निकलते हैं वापस, गाड़ी अपनी बाहर निकल रही है, चलो बैठते हैं फिर निकलते हैं घर के। एक मिनट यार, ओ यार ये मेरी ड्रीम कार मतलब डॉज चैलेंजर यहाँ पे खड़ी हुई है भाई साहब,
यार ये यकीन माने बड़ी खूबसूरत है, लेकिन घर मोबाइल है वो तो बेहतर। अब घर चलते हैं यार। हाँ जी, तो यार अपना 15 प्रो मैक्स फाइनली पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसकी करवाते हैं अनबॉक्सिंग भाई से। ठीक है, तो करें जी बिस्मिल्लाह। खोल दें खोल दें। यार अभी 13 प्रो मैक्स से शूट कर रहा हूँ यार। ये चेक करें, इसका टाइटेनियम नेचुरल कलर है। ठीक है, बांजी जो है उसको ज़्यादा शौक था मेरे से, वो बार बार कह रही थी मुझे दे मुझे दे। तो यार बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मतलब इसका जो है ना वो जिस तरह स्टील का कलर नहीं होता, एल्युमिनियम स्टील वैसी चीज़ है। ठीक है, तो इसे ऑन करते हैं। ला दो जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। अब ये मुझे कितने का पड़ा है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग्स जितने भी हैं ना, इंशाल्लाह वो हम अपने 15 प्रो मैक्स से अब शूट किया करेंगे। इसकी कैमरा क्वालिटी भी मैं आप लोगों को चेक करवाऊँगा, पहले टेम्पर लगवा लें। तो बिल्कुल ही यार, अपने जिधर रह रहे हैं उसके सामने कॉर्नर पे शॉप है, तो चलते हैं शॉप में, देखते हैं अभी कितने का टेम्पर्ड है, इसका टेम्पर्ड पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो भाई जान शॉप में आ गए हैं। ठीक है, 15 प्रो मैक्स इनके हवाले करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम टेम्पर्ड लगना। अभी तो उसका कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कितने के लगता है इधर वैसे टेम्पर्ड ग्लास? 15 का, 10 का भी है और 10 का होता है, लेकिन ये 15 का है। नहीं, ये 15 का ही है। नहीं, ये वाला कितने का है? नॉर्मली 10 का लगाते हैं, मतलब ये 15 का है। नहीं, मेरी मोबाइल शॉप थी पाकिस्तान में। हाँ, हमारे तो वहाँ पे बहुत मतलब चीप है। उधर क्या है? उधर मतलब ये वाले क्वालिटी का जो लगता है आप समझ ले 450 रुपीज का, पाकिस्तानी रुपीज। और नॉर्मल हाँ तकरीबन नहीं 450 रुपीस 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 हाफ दिन नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये 1 dirham 75 79 80। हाँ, शॉप का मिलेगा 1 dirham 80 में 100 का देते हो। 100 रुपीस 90 ग्लास। हाँ, तो 1.2 ये स्क्रीन गार्ड में नहीं, हमारे पास वहाँ पे आते थे ना अक्सर सऊदीया से जो जाने के लिए कस्टमर वगैरह, तो वो मतलब 8-10 ले जाते थे हमसे। मैंने कहा इतने ज्यादा गए थे वहाँ पे, यार महंगे मिलते हैं। तो यार ये पड़ा है 15 dirham का, 100 रुपया दिया था मैंने, बकाया पैसे मिल गए। चलें अब घर चलते हैं। आप सबको इंतज़ार होगा इसकी प्राइस का, तो चलो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ इसकी प्राइस मुझे यहाँ पे दुबई में कितने का ये पड़ा है। ये मुझे पड़ा है यार 5100 dirham का, उसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन आप समझ लें 3,95,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़। खर्चा हैवी हो गया, तो चलो खैर कोई नहीं, अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली। आज का ब्लॉग जो है यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।